वही मैंने कहा है ना तुमसे, तुम जो कर रही हो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सागर जी, अब मुझे फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो बस। अरे लेकिन वही मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना। अच्छा, तो फिर आप कुछ क्यों नहीं करते? वही मैंने कहा है ना तुमसे, मुझे मौका मिलने दो, मैं सब कुछ मिली मैडम को सच सच बता दूंगा। लेकिन वही प्लीज तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे कि मैं फंस जाऊं। सागर जी, मही आपको कभी फंसने नहीं देगी। बस सागर जी, अब मुझ में और धीरज नहीं है। अब आप तैयार रहिए सागर जी, मही आपके सामने एक और लिबास में आ रही है। एक और लिबास? सागर, वैसे तो मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ, वो जापनीज राजकुमारी और व्हाटएवर शी वाज, तुम उससे मिले हो पहले कभी? अरे मैडम, आपने तो मेरा पासपोर्ट देखा था ना। अरे मैं जब कभी जापान गया ही नहीं, तो मैं कैसे उस जापानीज राजकुमारी और हुएवर शी वाज उससे कैसे मिलता, कहाँ मिलता? राइट, आई एम श्योर वो झूठी बोल रही होगी। एनीवे, जाने दो। सागर, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, जैसे कभी मैं रहती थी। आई थिंक लाइफ इज मोर, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है जो मैंने तुमसे ही सीखा। ना बच्चे ना, इस विद्या का अपमान मत कर मेरे बच्चे। चिलाराम। ओह गॉड, ये मही भी ना। तुम्हारी ग्रह दशा कह रही है कि बुध की छत्र छाया में और शनि के प्रभाव की वजह से राहु और केतु ने तुम्हें जकड़ लिया है मेरे बच्चे। मैडम, मैं एक मिनट में आया। मही, अब तुम ये कौन सा नया नाटक कर रही हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मही, प्लीज। ना भोले ना, ना। सागर, तुम इनके हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अब वो हम तो है ना अपने भविष्य जानना चाहते हैं। हाँ। वाह चेलाराम वाह, जीते रहो जीते रहो। बच्चा, हम तुम्हें तुम्हारा भविष्य भी बता दें। देने वाला है नफरत का। भोले भोले। क्या मतलब? मतलब ये बच्ची, दो मंगल कभी शादी नहीं कर सकते, जान भी जा सकती है। जान जाए तो जाने दीजिए जोशी जी, प्यार में सिर्फ जीना ही साथ में नहीं होता, मरना भी होता है, और फिल्मों में इसे अमर प्रेम कहते हैं, है ना साथ? एनीवे, ये लीजिए आपकी दक्षिणा, रखिए। सागर, चले चल। मैं जितना मिली को सागर जी से दूर करना चाहती हूँ, सागर जी तो उतना मुझसे ही दूर होते जा रहे हैं। हाय हाय, हार गई पापा। मिली मिली। क्या मिली? सागर जी को मिली, मिल गई सासु माँ। ओहो मही, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम अपने पति को बचाने निकली हो। हाँ, मॉम इज राइट मही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। एक और लिबास हो जाए। अनुदी, Of course. Okay. ये हुई ना बात। Yes. Yeah. मही, क्यों मुझे बिन मौत मरवाने पर तुली हुई हो?
प्लीज जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मिली मैडम आ गई। सागर कौन है ये लोग? ये लोग मिलना चाहते हैं आपसे। मुझसे मिलना चाहते हैं? धोखेबाज, गड़बड़ करने वाले, लालची पुरुष। आपके यहाँ काम करने से पहले मिस्टर सागर मेहता हमारे यहाँ काम करते थे। बिल्कुल, और इस बदमाश ने हमारी कंपनी में 5 लाख का घोटाला किया है, पूरे 5 लाख का। पीए, रिपोर्ट दिखाओ। ये लीजिए। लुक्स, शट अप। मैं सागर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। आज तक तो मैंने लाइफ में किसी को थप्पड़ मारा नहीं है, लेकिन आज मार दूंगी। ये लो 10 लाख का चेक, मुंह बंद करो और जाओ यहां से। चलो सागर। हे भगवान, सागर जी तो रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। हाय राम, मैं क्या करूं क्या करूं? बेमा, आपको भी मेरी दया नहीं आ रही क्या? मॉम, आपको तो मही को ये सब करने से रोकना चाहिए ना, लेकिन आप भी उसका साथ दे रही हैं। नहीं सागर, इस मामले में मैं मही को बिल्कुल नहीं रोकूंगी। वो अनपढ़ गवार ही सही, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती है। आई नो मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। पराई औरत से पति को बचाना पत्नी का संपूर्ण अधिकार होता है। और तुम्हें एक बात कह देती हूँ, इस मामले में मेरा मही को फुल सपोर्ट है। मुझसे जो बनेगा मैं सब करूंगी, समझे?